हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, मैं राहुल माना आपका फिर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एमएस वर्ड का पार्ट 4। फ्रेंड्स, इसके अंदर आज हम देखेंगे फॉन्ट। फॉन्ट बेसिकली होता क्या है? फॉन्ट एक हमारा एक वर्ड्स है जिसको हम टाइप करते हैं, उसके अंदर हम कैसे उसका साइज चेंज कर सकते हैं, उसका कैसे स्टाइल चेंज करते हैं और उसमें कैसे कलर करते हैं, तो ये सब हम चीज़ देखेंगे। फॉन्ट में बहुत कुछ है, ये दो टॉपिक में कंप्लीट होगा हमारा। आज जो हम करने जाएंगे उसमें फॉन्ट का साइज, फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट कलर और फॉन्ट पे हाईलाइट कलर, ये कैसे किया जाता है। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं किस तरह को चेंज किया जाता है। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए यूज़र्स हैं तो प्लीज़ आप जाइए मेरे चैनल को, राइट हैंड साइड पर सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन साथ बना हुआ है उस पर जाके क्लिक करके शो ऑल पर क्लिक कीजिए और अगर वीडियोस को लाइक कीजिए और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टाइप कर लेते हैं, हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है। अब हमें करना है फॉन्ट, फॉन्ट को चेंज कैसे करते हैं, उसका साइज कैसे बदलते हैं, उसका कलर कैसे करते हैं या उसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसी फॉर्मेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप कर लेते हैं, कुछ भी लिखने से पहले, फॉन्ट चेंज करने से पहले हमें टाइप करना पड़ेगा। देखिए, मैंने कुछ भी टाइप कर लिया। ये टाइप करने के बाद अब हमें इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन में आ रहा है, ये देखिए, ये फॉन्ट बॉक्स यहाँ पे लिखा आ रहा है, ये फॉन्ट होता है, इस पर ये हमारा जो बना आ रहा है कैलिब्री ब्रॉडी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी फॉन्ट आपको चेंज करना चाहते हैं आप वो फॉन्ट सेलेक्ट कीजिए, आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा उसी फॉन्ट के अंदर। तो ये तो है हमारा फॉन्ट करने का तरीका, चेंज करने का। इसके लिए शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, मींस पहले कंट्रोल दबाइए फिर शिफ्ट दबाइए प्लस एफ को दबा देंगे तो आपका फॉन्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा और फॉन्ट बॉक्स के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। तो ये तो है तरीका फॉन्ट चेंज करने का। इसी तरह का साइज चेंज करना हो तो सिंपल, फिर वही जितना जहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे वहीं से उसका ऑप्शन चेंज हो जाएगा। आप चाहते हैं कि अगर बीच में चेंज करना है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, बीच में से इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो सेलेक्ट किया, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 11 दिखा रहा है, यहाँ पे जो चेंज हुआ हुआ है 11 दिखा रहा है। आप यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए और आपको जितना भी बड़ा करना है साइज़, यहाँ पे आपका 72 तक इसमें हाईएस्ट होता है, आप यहाँ कर सकते हैं 72 के बाद अगर आप इसको और बड़ा करना चाहते हैं तो डायलॉग बॉक्स के अंदर आप क्लिक कीजिए, जितना भी आप नंबर डालेंगे उतना बड़ा आपका साइज़ हो जाएगा। तो ये है तरीका इसका साइज़ बड़ा करने का, इस तरह से आप इसको साइज़ बड़ा कर सकते हैं। अब बात आती है इसमें कलर कैसे करेंगे। हम इस कुछ पोर्शन पे इसको सेलेक्ट करते हैं, इसका कलर चेंज करने आते हैं तो सेम फॉन्ट बॉक्स के अंदर आप देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है हमारा, यहाँ पे देखिए ए बना रहा है, ये ए जो है हमारा फॉन्ट कलर है, इस पर क्लिक करेंगे, आपको जो भी कलर लेना है आप यहाँ से भी ले सकते हैं और जो भी कलर है, मैं रेड लेना चाहता हूँ, मैं रेड पर क्लिक किया तो हमारा फॉन्ट कलर चेंज हो जाएगा। तो ये है फॉन्ट कलर का तरीका चेंज करने का। इसी तरह आप चाहते हैं आपको इसका हाईलाइट कलर बनाना चाहते हैं कि इसके पीछे हाईलाइट आए तो हाईलाइट बनाएंगे, इसके साथ में ए बी लिखा हुआ है, इस ए बी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी कलर आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे कलर बॉक्स बन जाएगा, आप ले सकते हैं। जैसे ग्रीन कलर ले लिया मैंने तो ये हाईलाइट कलर बन गया हमारा, देखिए। तो MMY जो हमने है, MMY का हमारा जो रेड कलर हो गया फॉन्ट और नीचे हाईलाइट कलर ग्रीन कलर की एक प्लेट बन के आ गई है। इसी तरह इसको आप चाहते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो वर्ड को आप बोल्ड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे बी, इसकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस बी, आप कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, कंट्रोल बी दबाएंगे, यहाँ पे देखिए बोल्ड हो गया। इसी तरह आप इसको फॉर्म को इटैलिक फॉर्म में करना चाहते हो, इटैलिक करने के लिए आपको यहाँ से आई पे क्लिक करना पड़ेगा, कंट्रोल आई इसकी शॉर्टकट कमांड होती है, इटैलिक फॉर्म में हो जाएगा। आप चाहते हैं ये आपका मेन वर्ड है या आपकी मेन हाईलाइट है, इसको आप अंडरलाइन भी करना चाहते हैं तो आप इस यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपके वर्ड पे अंडरलाइन भी हो जाएगी। तो ये है हमारा फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट हाईलाइट कलर एंड बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो शॉर्टकट कमांड आपको मैंने सारी बता दी है, मैं लास्ट में आपको दोबारा फिर एक बार बता देता हूँ। फॉन्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ एंड साइज की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन। तो ये तो है इसकी शॉर्टकट कमांड। सो देखा फ्रेंड्स आपने, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट हाईलाइट कलर्स एंड बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब कैसे करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे भी टॉपिक्स में जब आपको करना फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा या फॉन्ट को कलर करने पड़ेंगे या साइज बढ़ाना होगा तो ये सब हमारा आगे भी सेम इस तरह चलता रहेगा। तो शॉर्टकट कमांड्स को भी थ्रू भी आप कर सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू और डायरेक्टली भी आप इसको कर सकते हैं माउस के थ्रू।
तो फ्रेंड्स इसी तरह छोटे टॉपिक्स को हम आगे और भी करते रहेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा वर्ड का, तो आप भी इसी तरह घर पर प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। और अगर आप नए न्यू यूज़र्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं बेल के आइकन पर जाके आप क्लिक कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए, आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलने चालू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स बने रहे मेरे चैनल के साथ और देखते रहे मेरे चैनल को, ड्रीम वर्ल्ड को।